बॉलीवुड की इस मायावी दुनिया में उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों की निजी जिंदगी पर्दे के पीछे कैसी होती है, ये शायद ही दर्शकों को मालूम पड़ती है। ऐसे ही अभिनेता राज किरण ने हिंदी सिनेमा में काम करके दर्शकों का खूब प्यार बटोरा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अभिनेता राज किरण के बारे में बताने जा रहे हैं। कहाँ है आजकल राज किरण, तो चलिए शुरू करते हैं। तस्वीरें देख के आपने इस अभिनेता को पहचान ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हैं अभिनेता राज किरण, जिन्होंने अर्थ, प्यार का मंदिर, प्यार का देवता जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। ये वही अभिनेता हैं जिन्होंने सुभाष है की फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर के पिछले जन्म का किरदार निभाया था। मगर आज राज किरण इस कदर गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब इस अभिनेता की कोई खबर ही नहीं है कि ये कहां पर हैं। एक समय तो ऐसा था कि लोग इन्हें मरा हुआ ही समझ बैठे थे। मुंबई के एक सिंधी परिवार में जन्मे राज किरण को बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में तब पहचान मिली जब उन्होंने निर्देशक बी आर इशारा की फिल्म कागज की नाव में अभिनेत्री सारिका के साथ काम किया। इसके बाद राज किरण ने करीब 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। अपने करियर में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिकाओं को स्वीकार किया और अपनी पहचान बॉलीवुड में स्थापित की। निर्माता निर्देशक सुभाष की सुपरहिट फिल्म कर्ज में इन्होंने ऋषि कपूर के पिछले जन्म के किरदार को निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ फिल्म अर्थ में इनके काम को सहारा मिला। एक नया रिश्ते में अभिनेत्री रेखा के साथ भी काम किया। आखिरी बार राज किरण को वारिस फिल्म में शेखर सुमन के एक सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कलाकार को पागलखाने में भर्ती कर दिया गया और वो लापता हो गए। बॉलीवुड में राज किरण को जानने वाले ये मानते हैं कि फिल्मों में काम न मिलने की वजह से राज किरण डिप्रेशन में चले गए, जिसके चलते उन्हें मुंबई के भाईखाल के पागलखाने में इलाज के लिए भर्ती करा गया। राज किरण के करीबी रहे निर्देश महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब वे मुंबई के एक अस्पताल में उनसे मिलने गए तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में थे। उस समय महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का वादा भी किया और कोशिश भी की, मगर इस इंडस्ट्री में एक बार किसी के पागल होने की खबर फैल जाए तो कभी भी उसके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं होता। महेश भट्ट ने यह भी कहा कि किरण अपने भाई से मिलने अमेरिका चले गए, इसके बाद उनके मरने की खबर बॉलीवुड में फैल गई थी। बॉलीवुड में राज किरण के अच्छे दोस्त रहे ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने राज किरण को खोज निकालने की मुहिम चलाई, जिसमें दीप्ति नवल ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि फिल्मी दुनिया का एक दोस्त की तलाश है, उनका नाम राज किरण है, हमें उनकी कोई खबर नहीं है, आखिरी बार उनके बारे में ये सुना था कि वो न्यूयॉर्क में कैब चला रहे हैं, अगर किसी के पास इसकी कोई जानकारी है तो गुजारिश है कि हमें बताएं। ऋषि कपूर अमेरिका गए तो उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद मेहंतानी को फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि राज किरण अटलांटा के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जहाँ अपने खुद के इलाज के लिए उसी अस्पताल में उन्हें काम भी करना पड़ता है। राज किरण की बेटी ऋषिका ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि राज किरण अटलांटा के अस्पताल में हैं। वो और उनके परिवार पिछले 6 सालों से न्यूयॉर्क पुलिस और निजी जासूसों की सहायता से राज किरण को तलाश कर रहे हैं। अब पिछले 12 सालों से ये अभिनेता गुमशुदा हैं और किसी को इनकी कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि फिल्में छोड़ने के बाद भी राज किरण के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन का इलाज कराते कराते सारा पैसा खत्म हो गया और ऐसे हालात में परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, इस बेहतरीन अभिनेता के इस गुमनामी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस कलाकार को ढूंढने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए थी? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।